फ्रेंड्स वेलकम बैक तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीके का नेक्स्ट टॉपिक जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के हमने स्टार्ट की है उस पर टॉपिक वाइज एम सी क्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं तो आज जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज जो भी हैं वो देखेंगे इसी के साथ साथ इसमें फोक डांसेस वगैरह जो है उससे रिलेटेड लिल क्वेश्चन भी हम इसी में देखने वाले हैं ठीक है थीके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं देन कम टू दिस लेक्चर क्वेश्चन नंबर वन है हमारा क्वेश्चन नंबर वन क्या है डैश डांस इज परफॉर्म्ड बाय वेयरिंग कलर्ड रोब्स एंड कॉनिकल कैप्स इन कौन सा डांस है जो कि कलरफुल रोब्स एंड कॉनिकल कैप्स पहन के किया जाता है कश्मीर में किसकी बात हो रही है कश्मीर की इन कश्मीर तो ऑप्शंस हैं डांडी धूमल खत्री गरबा तो कौन सा डांस है जो कि इस तरह से परफॉर्म किया जाता है कलरफुल रोब्स पहन के और कॉनिकल कैप्स पहन के कश्मीर की बात की जा रही है तो राइट right आंसर है इसका ऑप्शन बी धूमल डांस जो है वो ऐसे किया जाता है कलरफुल रोब्स एंड कॉनिकल कैप्स पहन के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है रूफ डांस इज़ ऑल्सो नाउन एज रो डांस इज परफॉर्म्ड बाई ग्रुप्स ऑफ रूफ डांस जो है उसे रो डांस भी कहा जाता है इज परफॉर्म्ड बाई ग्रुप्स ऑफ कौन परफॉर्म करता है ग्रुप में मैन वुमेन बोथ या फिर नन तो क्या है इसका राइट आंसर वुमेन ग्रुप्स में वुमेन्स जो है वो ग्रुप्स में डांस के परफॉर्म करती हैं रूफ डांस ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डांस इज़ परफॉर्म आफ्टर ऑल द वेडिंग रिचुअल्स वन द ब्राइड इज़ अबाउट टू लीव तो कौन सा डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है जब सारे वेडिंग रिचुअल्स जो हैं वो हो जाते हैं और ब्राइड जो है इज अबाउट टू लीव तो उस टाइम पे जो डांस किया जाता है उसे कौन सा डांस कहते हैं भान जश्न बच्चा नगमा वोएगी नचुन या फिर चाऊ डांस तो कौन सा डांस है जो उस टाइम पर किया जाएगा दैट इज़ ऑप्शन सी नचुन ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है ये डांस जो है उस टाइम पे किया जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जगराना इज़ अ फेमस डैश इन द जम्मू रीजन जगराना जो है जम्मू रीजन का फेमस क्या है सॉन्ग है डांस है या फिर बोध या फिर थानट तो क्या है ये जगराना जो है ये क्या है एक फेमस डांस सॉन्ग ठीक है इज अ फेमस डांस सॉन्ग इसमें ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ

तो क्या है क्या चीज़ है कॉमन जो कि जम्मू रीजन में है और मोस्टली परफॉर्म की जाती है बारिश के मौसम में रेनी सीजन में किस लिए अपने लोक देवता को ऑनर करने के लिए ऑप्शन हैं बुद्धल डांस कुद डांस कुद सॉन्ग भागड़ा डांस तो तो क्या है इसका राइट right आंसर क्या होता है ऑप्शन बी दैट इज़ कु डांस कुद डांस जो है कॉमन है जम्मू रीजन का और ये मोस्टली कब परफॉर्म किया जाता है रेनी सीजन में इसलिए टू तो ऑनर द लोक देवतास तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के यहाँ पे करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ लोरी फेस्टिवल लोरी फेस्टिवल के टाइम पे कौन सा इनमें से डांस है जो परफॉर्म किया जाता है छज्जा डांस छापरा डांस मांडवा डांस या फिर बिहू डांस तो क्या है दैट इज छज्जा डांस छज्जा डांस जो है लोरी के लोरी फेस्टिवल के टाइम पे जो है ये Uh, किया जाता परफॉर्म किया जाता है इसके साथ ही एक और डांस है दैट इज हिरन डांस वो भी इसी टाइम पे किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट काली माता टेम्पल इन बाहू फोर्ट ट्वाइस आ ईयर कौन सा फेस्टिवल है जो काली माता टेम्पल बाहू फोर्ट माता का जो काली माता का टेम्पल है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है एक साल में दो बार साल में दो बार जो है हर बार साल में दो बार ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है काली माता के मंदिर में बाहू फोर्ट में तो बताना है कौन सा फेस्टिवल है वो रामबी मेला बाहू मेला परमंडल मेला या फिर जिरी मेला तो क्या है राइट आंसर इसका बाहू मेला ऑप्शन बी जो है राइट आंसर इसका बाहू मेला फेस्टिवल जो है काली माता के टेंपल इन बाहू फोर्ट में ट्विस्ट सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर बसोली पेंटिंग्स कौन सी जगह जो है फेमस है बसोली पेंटिंग्स के लिए जम्मू किश्तवाड़ कठुआ या फिर डोडा तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी कठुआ कठुआ जो है वो क्या है फेमस है फॉर बसोली पेंटिंग्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खीर भवानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट खीर भवानी फेस्टिवल जो है वो बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट का फेस्टिवल है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है कुलगाम गंदरवल, पुंछ या फिर सांबा तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी गंदरवल डिस्ट्रिक्ट का में मेले ये फेस्टिवल है जो ये सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ कश्मीर वैली हैज़ गॉट जी आई टैग कौन सा प्रोडक्ट है इनमें से कश्मीर वैली का जिसे क्या है जी आई टैग मिला है कनी शॉल कश्मीरी पश्मीना बोथ या फिर ऑल तो क्या है इसका राइट आंसर बोथ कनी शॉल और कश्मीरी पश्मीना जो है इन दोनों को ये टैग मिला है ठीक है सी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरन डांस आल्सो नोन एज डी डांस इज़ परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया हिरन डांस जिसे डी डांस भी कहा जाता है कब परफॉर्म किया जाता है ये मैंने पहले कहा लोरी लोरी पे ये दोनों डांस जो हैं होते हैं छज्जा डांस एंड हिरन डांस ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ फेमस डिश इन जम्मू रीजन इनमें से कौन सी है फेमस डिश जम्मू रीजन की वो बताना है फेमस डिश जम्मू रीजन की दैट इज कलाड़ी या फिर वजवान या बोथ या बोंगल पोंगल तो क्या है राइट आंसर दैट इज कलाड़ी कलाड़ी जो है ये फेमस डिश है जम्मू रीजन की ठीक है ऑप्शन ए जो है इसका यहाँ पे करेक्ट होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डांस इज परफॉर्म इन कश्मीर बाय वुमेन बेरिंग कलरफुल फेरन्स क्लॉथ्स विथ हैवी एम्ब्रॉयडरी तो क्या बताना है इनमें से कौन सा डांस है जो कि कश्मीरी वुमेंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं वियरिंग कलरफुल फैरेंस पहनकर क्लॉथ्स पहनकर साथ में है, विद हैवी एम्ब्रॉयड्री हैवी एम्ब्रॉयड्री वाले कलरफुल क्लॉथ्स पहनकर कौन सा डांस है जो कि कश्मीर की वूमेंस हैं वो करती हैं परफॉर्म करती हैं बताना है ऑप्शंस है रूफ़ डांस छज्जा डांस हिरन या फिर कुद तो इसका राइट आंसर है ए रूफ डांस रूफ डांस जो है वो करती हैं ये वुमेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ लुक ड लाइक इंडियन सारंगी कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इंडियन सारंगी की जैसे दिखता है इज़ लुक ड लाइक इंडियन सारंगी सरंदा साजे कश्मीर या फिर दमन या धारा तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए सरंदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इज़ लुक लाइक इंडियन सारंगी ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिस्कस्ड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एंशियंट टेक्स्ट दो जो फोक म्यूज़िक है जे एंड के का वो कौन सी एशियंट टेक्स्ट में डिस्कस है वो बताना है राज तरंगनी नीलामता पुराना बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बोथ ए एंड बी राज तरंगनी और नीलामता पुराना इन्हीं एंशियंट टेक्सट में डिस्कस है फोक म्यूजिक ऑफ जे एंड के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डांस सॉन्ग रिफ्लेक्ट्स कल्चरल ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन से डांस सॉन्ग्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं कल्चरल ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो ऑप्शंस हैं नंदवेद ग्वैत्री गीतु या फिर करक तो क्या है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज ग्वात्री ठीक है ये इसका राइट आंसर है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच डांस इज़ परफॉर्म्ड बाय द मेल्स ऑफ बत्तल कम्युनिटी इन जे एंड के वत्तल कम्युनिटी ये जो है ये जो कम्युनिटी है इसके जो मेल पर्सनस हैं वो परफॉर्म करते हैं डांस वो बताना है कौन सा डांस है जो वो लोग परफॉर्म करते हैं ऑप्शन है कुत बच्चा नगमा दुमल या फिर रूफ तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी दुमल डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं मेल्स ऑफ बत्तल कम्युनिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थी सॉन्ग इज़ फेमस अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स इनमें से कौन से ट्राइबल ग्रुप का जो है ये फेमस सॉन्ग है वेल्थी सॉन्ग जो है तो बताना है ऑप्शंस हैं गुज्जर बकरवाल चंगपो या फिर बोथ ए एंड बी तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनका ये फेमस सॉन्ग है ठीक है ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे then कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन which डांस फॉर्म अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट called संतूर इज प्लेड बताना है कौन से डांस फॉर्म में एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्ले बजाया जाता है जिसे संतूर कहते हैं तो options है रूफ़ शज्जा हफीज़ा डांस या फिर कुत तो राइट आंसर है इसका हफीज़ा डांस हफीज़ा डांस में क्या है एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट जो कि संतूर है वो प्ले किया जाता है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ डांस फॉर्म डज इंक्लूड द मास्टर्स आर द जेस्टर्स कौन से टाइप ऑफ डांस है जिसमें क्या है मास्टर्स और जेस्टर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं ऑप्शन है रूफ खत्म खत्म बंद कुद या फिर बांध पंथर तो क्या है इसका राइट आंसर दैट इज बांध पंथर ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बंद पंथर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोक डांस फॉर्म इज़ परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ जम्मू रीजन ऑन द इवनिंग ऑफ ग्रूम्स डिपार्चर टू हिज इन लॉज हाउस कौन सा फोक डांस फॉर्म है जो परफॉर्म किया जाता है जम्मू रीजन की वुमेन्स करती हैं कब करती हैं ऑन द इवनिंग ऑफ ग्रूम्स डिपार्चर टू हिज इन लॉज हाउस ठीक है तो ऑप्शन हैं धानस सुरमा कीकली या फिर जागरन जगरानास जगरानास तो राइट आंसर है इसका जगरानास ही इसका राइट आंसर है ये फोक डांस जो है परफॉर्म किया जाता है जम्मू रीजन की वुमेंस के द्वारा जब ग्रूम्स का डिपार्चर होता है टू तो हिज इन लॉज हाउस ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्बा करनी इज आ ये क्या है एक फोक डांस है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है थिएटर है या फिर पेंटिंग है तो तुम्बा कन्नी जो है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द डांस फॉर्म ऑफ ग्रास कटर्स इन जम्मू रीजन तो कौन सा डांस फॉर्म है ग्रास कटर्स ऑफ ग्रास कटर्स इन जम्मू रीजन जम्मू रीजन का तो ऑप्शन है कुद, चौकी नाच लेत्री या फिर रूफ तो क्या कहते हैं उसको लेत्री कहा जाता है ऑप्शन सी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अ डांस परफॉर्म्ड बाय यंग बॉयज़ ड्यूरिंग लोरी सेलिब्रेशन लोरी सेलिब्रेशन के टाइम पे यंग बॉयज़ द्वारा एक डांस जो है परफॉर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं कौन सा डांस होता है वो कुद डांस शज्जा डांस हिरन डांस या फिर बोथ बी एंड सी तो फ्रेंड्स शज्जा एंड हिरन दोनों डांस जो है लोरी सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेट किए जाते हैं लेकिन क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है कि यंग बॉयज द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है वो होता है शज्जा डांस ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर है हिरन डांस जो है वो अडल्ट पर्सन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं सो राइट आंसर इसका होगा यहाँ पे बी ठीक है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज इंट्रोड्यूसड बाई जैनुलबीदीन इन कश्मीर फ्रॉम तुर्किस्तान अब क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है जैनल अबीदीन ने कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम तुर्किस्तान तो ऑप्शन हैं संतूर फ्लूट धारा या फिर रबाब तो राइट right आंसर है इसका रबाब रबाब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है देन कम टू नेक्स्ट विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज इन लादी सॉन्ग्स कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लाली शाह सॉन्ग्स के लिए यूज़ होता है दमान रबाब धारा नन ऑफ द अबव तो राइट आंसर इसका होगा नन ऑफ द अबव क्योंकि यहाँ पे जो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है दैट इज़ दुकार डी एच यू के ए आर ठीक है दुकार दुक्कर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसका नाम है दुक्कर इंस्ट्रूमेंट जो कि लाजिशा सॉन्ग्स के लिए यूज़ होता है तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है सो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसिस इज मोस्टली परफॉर्म इन द दिली एरियाज ऑफ जम्मू रीजन कौन से फोक डांसिस हैं जो कि मोस्टली परफॉर्म होते हैं जम्मू रीजन के हिल एरियाज में तो ऑप्शन है हिरन छम हफीज़ा डांस या फिर कुद तो राइट आंसर है कुद कुद डांस जो है फोक डांस जो है वो मोस्टली परफॉर्म होता है हिली एरियाज ऑफ जम्मू रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डांस इज़ परफॉर्म्ड मेनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोरी फेस्टिवल अगेन कौन सा डांस है जो कि मेनली लोरी के टाइम पे आ, जो है परफॉर्म किया जाता है ऑप्शन हैं बच्चा नगमा दरस छम या फिर बंद जश्न तो बैंड जशन जो भी है तो राइट right आंसर है इसका ऑप्शन बी दैट इज दंदारस नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स बैडिंग इज कंसीडर्ड इनकम्प्लीट इन कश्मीर रीजन कौन से सॉन्ग्स के बिना जो है कश्मीर रीजन में बैडिंग्स जो है शादियाँ जो हैं इनकम्प्लीट मानी जाती हैं ऑप्शन है, है सूरमा वरवान कुद या फिर बच्चा नगमा तो राइट आंसर है इसका भी डी तो बच्चा नगमा सॉन्ग्स जो है इनके बिना बैडिंग जो है वो कंसीडर की जाती है इनकम्प्लीट कहाँ पे कश्मीर रीजन में नेक्स्ट क्वेश्चन है द डांस ऑफ कश्मीर इन विच आर टीन एज बॉय ड्रेसिस इन अ फीमेल अटायर रिजेंबलिंग दैट ऑफ कथक कौन सा डांस है कश्मीर का जिसमें टीन एज बॉयज़ जो हैं लड़कियों के जैसे कपड़े जो हैं वो पहन के क्या करते हैं वो डांस परफॉर्म करते हैं जो कि एग्जाम्बल करता है दैट ऑफ कथक के जैसे तो ऑप्शन हैं बच्चा नगमा हफीज़ा डांस रूफ या फिर निंद वैथ तो राइट आंसर है इसका बच्चा नगमा ठीक है राइट आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉन्ग इज़ वेरी फेमस अमंग द फॉर्मर्स ऑफ द कश्मीर फार्मर्स ऑफ कश्मीर के लिए कौन सा सॉन्ग है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है जगराना लालिशा सूरमा या फिर नंद बैथ तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी नंद बैथ जो कि सॉन्ग है बहुत फेमस है फॉर्मर्स ऑफ कश्मीर के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द डांस इज़ परफॉर्म्ड बाय कश्मीरी वुमेन अराउंड द ब्राइडल रंगोली ड्यूरिंग मैरिज मैरिज के टाइम पे जो कश्मीरी वुमेन्स हैं वो वो कोई डांस परफॉर्म करती हैं ब्राइडल रंगोली जो है उसके अराउंड तो उसे क्या कहते हैं बताना है चक्री पंथे व्यूग नाचू रूफ तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी आ, व्यूग नाचू ये इस तरह ये कोई एक आ, टाइप ऑफ डांस है जो परफॉर्म करती हैं कश्मीरी वुमेंस ब्राइडल रंगोली के अराउंड ड्यूरिंग मैरिज नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिशनल डिको डिको डांस बिलोंग्स टू विच प्लेस इन जम्मू रीजन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होम टास्क है बताना है कि कौन सा ट्रेडिशनल डिको या डिको डांस है वो कौन सी प्लेस जम्मू रीजन की कौन सी जगह से बिलोंग करता है तो इसका राइट right आंसर आप मुझे ऑप्शंस में दोगे और ऑप्शंस में डायरेक्ट आंसर का नाम या फिर ऑप्शन नहीं लिखोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर मेंशन करोगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एंड देन आगे उसका राइट right आंसर जो होगा वो लिखोगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसिस ऑफ जम्मू रीजन डिपिक द एंग्विश ऑफ ए न्यूली मैरिड गर्ल हुज हजब इज अवे फॉर हिज जॉब कौन सा इनमें से फोक डांस है जम्मू रीजन की न्यूली मैरिड गर्ल्स के लिए जिनके हस्बैंड जो हैं जॉब uh, के लिए बाहर या दूर गए जैसे आर्मी पर्सनस होते हैं डिफेंस में जो भी होगा वो जॉब के लिए घर से बाहर उनसे दूर जाके जॉब करते हैं तो उनके लिए कौन सा फोक डांस है वो बताना है कीकली ग्वात्री सुरमा या फिर लेत्री लेत्री सॉरी तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सुरमा ठीक है ये इसका राइट right आंसर है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द डांसिस इज परफॉर्म्ड बाई स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ ट्राइब्स गुज्जर एंड बकरवाल इन जे एंड के कौन सा डांस है जो कि स्पेसिफिक कम्युनिटी ट्राइब्स जो है गुज्जर और बकरवाल इन जे एंड के उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है ऑप्शन है वैन थे रबाब कर, कराक या फिर डिकू तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए वे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक विल इट इज संग वाई जोगीज अलॉन्ग विद डांस स्टाइल तो कौन सा है जो कि ये कम्युनिटी है जोगीज इनके द्वारा गाया जाता है ग्वैत्री करक गीतरू या फिर निंद वितइट आंसर है इसका ऑप्शन बी कराक करक क्राक जो भी है प्रनाउंसिएशन तो राइट right आंसर इसका है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक विल इट इज संग बाय सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है आ आर फॉर्म ऑफ सिंगिंग इन द कश्मीर म्यूजिक ट्रेडिशन इज बताना है ऑप्शन है लाडिशा ग्वात्री ग्वैत्री नैंद या फिर जगराना तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए दैट इज लाडी उसका करेक्ट आंसर है तो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा सेशन अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ पी के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है हर एक लेक्चर की पी जो है वहाँ शेयर की जाती है और अगर किसी की नहीं की गई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि मैम पी चाहिए उस लेक्चर की तो मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगी थैंक यू तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू हैव नाइस डे